हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और हम लोग रेडी हैं हल्दी के लिए। यशी बिल्कुल भी रेडी नहीं है, क्योंकि इसको पता नहीं क्या, पहले तो बोल रही थी सब ड्रेसेस रेडी है, सब रेडी है, कुछ नहीं बोला मैंने ऐसा। एंड टाइम पर अब ड्रेसेस खरीद रही है, कुछ नहीं, कोई खरीदने की जरूरत नहीं, मैं पहन लूंगी। मेरे पास हमेशा जुगाड़ होता है, तुम्हारी तरह नहीं हूं। जुगाड़ नहीं होता, तुम्हारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं। ऐसा कुछ नहीं। मी कुड़ी भी रेडी है, भानु रेडी नहीं है, टीपू को भी रास्ते में से लेना है हमारे को, क्योंकि उसका घर हमेशा रास्ते में पड़ता है, कहीं पे भी जाते हैं उस टाइम पे। तो लेट्स गो, चलते हैं। ऑलरेडी 11:30 बज चुकी है, 11 बजे हल्दी स्टार्ट हो रही है। लेट कर रहे हो ना, जल्दी चलो बाहर, निकल, मतलब बाहर चल। सॉरी सॉरी। ये देखो, ये पीले कुर्ते में टीपू भैया आ गए हैं साले। इसको घर और लेने आना पड़ता है, बताओ। मेन रोड बगल में थी, मेन रोड पहले तो रोड तक तो आ जाते थे। हां जी, जाते चार्ज लगा। तू यार डबल सिर मत खींचे, मेरे स्किन पे झुरियां पड़वाएगा तू, पागल। अरे आ जाओ, बैठ जाओ यार। कहां से चलना है भाई? सीधा सीधा चल लो, रास्ता में से यहीं से निकल। ओह माय गॉड, टीपू भैया आई वॉच पहन के आया आज। अरे आई नहीं, अल्ट्रा वॉच ओरिजिनल है क्या? तो दिल्ली वाली है ये। ये बात तेरे को पता है, मेरे को पता है, बाकी लोगों को तो ना पता है। क्या माहौल चल रहा है। ओह माय गॉड, स्टार्ट हो चुका है सब कुछ। गाइस हम लोग आ चुके हैं और हमारे रूम की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। हम लोग रात को जैसे छोड़ के गए थे वैसा ही है फिलहाल। ये है मेरा हल्दी का आउटफिट जो मैं भी पहनने वाली हूँ। वैसे तो ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं हल्दी के लिए, बट मुझे इसको बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। चलो दिखाओ दिखाओ सब दिखाओ। ये देखो हमारे सुंदर से बैंड्स और इसमें इलायची है। सही बता रहा हूँ, जब से हम लोग आए हैं, अभी फिलहाल लंच कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जब से हम लोग आए खाए जा रहे। इतना खा लिया बाहर का नाश्ता कि मैं लंच नहीं कर पा रही हूँ। इतना टेस्टी खाना, इतना इनोवेटिव खाना, मेरे को बहुत मजा आ गया सच में। खाना बहुत अच्छा खाना बनवाया। ये मुझे ये बोल के लाया था कि मैं रूम में सोऊंगा नहीं, यहाँ मैं रूम क्लीन कर रही हूँ। और जरा इसको देखो, अरे ओए, पता है मुझे आके इसने क्या बोला? रूम की देखो हालत कितनी गंदी हो रही है, तो कोई बैठ भी नहीं सकता। और ये देखो, अब बत्तमीजों की तरह सो रहा है। तूने ज्यादा खाया है, ज्यादा एक्सरसाइज थोड़ी की, तुझे नींद आ रही है? खाते-खाते थक गया। नहीं सच में, खाना इतना ज्यादा यम है, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा है। अरे यार दोस्तों, इतने सारे ऑप्शन है ना, थोड़ा थोड़ा बहुत खा लिया मेरे को सच में। मैंने ओवर ईटिंग अगर करी है ना, तो बहुत टाइम बाद, बहुत ही ज्यादा टाइम बाद, आज और कल की है। और अपने आप ओवर ईटिंग हो गई यार। वो लोग अभी तक कर रहे हैं भाई। मेरा पेट से बाहर आ गया भाई। मेरे तो बस की कुछ भी नहीं थी, मैं तो लंच भी नहीं किया। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, मैं फुल हो चुकी हूँ। क्योंकि मैंने वो था ना राजस्थानी, वो वड़ा पाव जो बाजरे की रोटी, वो मैंने 2-3 खा लेते थे, यम्मी थे। गाइस एक और चीज कमेंट्स में, अपूर्वा और मेघा को कांग्रेचुलेशंस बोल देना, ढेर सारा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना उन्हें, ओके? ये देखो कुत्ते का काम करता है, ये नाटक कर रहा है। देखो इसकी आंखों में नींद है, भयंकर तरीके से नींद है। मुझे क्या है, आजकल ना रोज मेरा रूटीन हो गया यशी से 10 बार डांट खाने का। ये अपनी चीजें नहीं सुधारता, ये इतना ढीला है, इतना ढीला है काम के मामले में, मन करता उसको मारूं। मन की मारती है, चुप हो जा। ये बहुत ढीलापना दिखाता है मेरे को, जिस टाइम ना चीजें हो रही। हल्दी कितनी देर में? हल्दी अभी 10 मिनट में, इसको आने से मैंने मना किया था रूम पे, लेकिन माना नहीं यार। मुझे नींद से आती, मुझे रुका नहीं जाता। सूरज मेरे को भी बहुत देर आती, मेरे पैर दुख रहे हैं, बट फिर वो ये ना यार मिस नहीं होनी चाहिए हल्दी। मैं एक बार टिब्बे को कॉल करती हूँ, उनको वापस वो भूल जाएंगे खाने में कॉल करना। और हमें लगा था हल्दी शुरू हो गई, हल्दी अभी शुरू। मैंने अभी अपूर्वा से बात की, हमारे जो दूल्हे हैं वो रेडी हो रहे हैं, तो रेडी होने में तो देखो टाइम लगता है। और क्या है ना कि एक के बाद एक फंक्शन है, तो बेचारे दूल्हा दुल्हन को कभी पिंक ड्रेस, कभी येलो ड्रेस, कभी ये ड्रेस, वो ड्रेस, बेचारे बहुत परेशान हो गए। मैं कह रहा हूँ कि अभी टाइम है, नहीं है, आधा घंटे का नैप देखो, फिर वापस एनर्जी में आ जाऊंगा मैं। बोला आपने स्पेशल बोला दे, वो चॉकलेट। आप तो सुबह से कुछ खा ही नहीं रहे ना। गोले के ऊपर क्रीम, चॉकलेट है, ये एक चॉकलेट है, कौन कितना चॉकलेट है, चॉकलेट है, चॉकलेट ऑरेंज और क्या डालोगे? केसर और गुलाब डाल दो। और रबड़ी डाल दी, रबड़ी मलाई, सॉरी डाल दी। आप खा के बताओ कैसा है जल्दी से। ये देखो कैसा है। आप भी अरे हां भैया, कहां गए भैया? क्या पता ये क्या है? अरे ये तो सो गए आते ही।
मैं तो सोऊंगा नहीं मैं तो सो भी गए। अरे 10 मिनट में हल्दी चालू है वहां। ब्राइडल ग्रूम आ गए। आ गए? हां 10 मिनट नहीं 5 मिनट में। चल चलो सूरज चल। रेडी टू फायर। पता नहीं कौन से नशे नशे तो सुबह भाई कांजी बड़े में राजस्थानी जो देख रहे ना कांजी बड़ा स्वाद राजस्थानी वड़ा पाव। वड़ा पाव गाइस मैं ना फेसबुक पे वीडियो बनाऊंगी राजस्थानी वड़ा पाव की रेसिपी मतलब बनाऊंगी आप जरूर देखना। कैसी बातें कर रही हूँ मैं मजा आ गया भाई आजकल खाने की बातें करने लगी खाना बनाने की बातें अरे तो अच्छी बात है ना ये तो होनी चाहिए। एक साल में इतनी चेंज हो गई मतलब ऐसी एक्साइटेड सी हो गई इसके अंदर पहले से 10 गुना ज्यादा एनर्जी आ चुकी है। रात को ये भूतनी बन जाती है और सुबह ये सोती रहती है और भाई पागल हो चुकी है। हम 5-7 जनों की एनर्जी मिला लो इतनी एनर्जी रात को समझ जाती है और खाना भी बनाने लग गया आजकल एकदम से बोलेगी मुझे कुछ खाना है फिर कुछ देख लेगी मुझे ही बनाना है बना भी लेगी भाई साहब मैं वड़ा पाव बनाऊंगी राजस्थानी। पहले ऐसे होता था कि हम सबको कुछ खाना होता था तो मीकू से बनवानी पड़ती रिक्वेस्ट तो क्या वो बना देती एक बार लेकिन अब ये मैं ही बनाऊंगी मैं बनाऊंगी अच्छे से पागल हो चुकी भाई ये यार मुझे नई नई रेसिपी ट्राई करना चाहता मैं ऐसे रोज रोज बना खाना बनाने आना चाहिए मतलब ये सब चीजें यार मुझे दूसरी चीजें बनाना पसंद है तुझे आता है खाने तो बहुत अच्छे से आता है बनाना तो बाजार से खरीद लाते हैं ये इतने लोग हैं वहाँ पे हमें दुला दुलानी नहीं दिख रहे वो ये बात नहीं है अपनी हाइट छोटी है गाइस यहाँ पे हाँ वो हो रही है हल्दी चल रही है उधर गाइस हाँ हल्दी चल रही है गाइस हल्दी चल रही फुल गाइस मुझे लग रहा है हमारा नंबर तो 1-1.5 घंटे बाद आ पाएगा उधर से चल सकते मुझे मस्त भाई बेचारे दूल्हे दुल्हन को ऐसे बैठना पड़ता है और वो लगानी पड़ती है हल्दी हाँ अभी मैं भी आऊंगी लगाने के लिए। अच्छा पूल में कौन जाएगा पूल में नहीं ये मना कर दिया क्यों पूरा खराब हो जाएगा। अच्छा 1-2-3 बोले भैया और मन मोर 1-2-3 हमने पूरा के इधर उधर इधर उधर हर जगह पे फूल भर दिए बेचारे फूलों की हल्दी जो बेस्ट होती है अच्छी लगती है बहुत मजा आया तुम पे भी फूल बरस रहे सब पे फूल बरस रहे थे बाल से निकल के देखना मैं तो पता नहीं नहीं अंदर है आपके भी अभी भी कुछ ये से बाल उनके बाल से कर दे हो गए पूरे के पूरे गुलदस्ते बरसा दिए हमने और हमारे ऊपर भी बरस रहा था मेरे कपड़ों के अंदर चला गया कहीं हमारे दूल्हे भाई का हाल देखो क्या हो गया क्या हो गया भाई इतना परेशान कैसे लग रहे हो चाय लाए चाय अभी हमारा दिमाग हिल चुका है ये सेटअप देख के अभी देखो कितना बड़ा सेटअप हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर होने वाली है वरमाला आई थिंक यहाँ वरमाला होगी हाँ यही होगी वरमाला क्योंकि यहाँ पर आ चुके यार ये सामने सेटअप देख वाओ यार भाई हद पैसा खर्च हुआ है भाई वो रास्ता देखे सी फूलों से भर दिया ओह माय गॉड बहुत ही खूबसूरत लिफ्ट आ गई लिफ्ट आ गई चलो 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 बाय टू टू ओ और तेरा जो ये दिमाग है उसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं था ऑप्शन ही नहीं ऑप्शन ही नहीं मोए मोए ओ भाई आंसू बन गया देखो मोए मोए अरे गलत आ गए मोए मोए यार यहाँ पर है ना 1-0 और 0 बेसमेंट आपको पता है क्या मोए मोए क्यों बोले थी मोए मोए नहीं पता आपको क्या मोए मोए हो गया
गाइस गाइस यहाँ पे ऊपर आते फिर लड़ाई चालू हो गई। गाइस तुम सब हट जाओ, लो कितनी फोटो लेगा यार, इसमें आ जाओ दीदी, ये देख 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 इसको देख इसको देख, गाइस ये डाल दी डाल दी, एक सेकंड लगती फोटो में। अब दीदी की बारी है, अकेले रुकिए, अकेले ही अकेले ही हाँ दिखेंगे नहीं दीदी, ले लो ले लो, ये अनबॉक्स करके वीडियो बना लेना यार तेरे को, ये नहीं थी, अरे कर दो अनबॉक्स, हम भी तो देखें क्या निकल रहा है। जल्दी से कर लो, इसके अंदर है ना एक ब्राउनी है जिसको है ना थोड़ा सा ना ज्यादा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट किया गया है, हाँ उसके से वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई है, वो तो वही मुझे खानी है। अब मैं बात सुन, वो अगर तुझे खानी है ना तो ये दरवाजे खोल दे, इसके और, और... क्या है इसके अंदर चीज कैश्यू, वो कैसे पता लगा, पहले देखे थे क्या, हट गया हट गया। दीदी ऐसे ही खींचना पड़ेगा जब खुलता ही है जोर से, और यार इसके अंदर तो वो है चॉकलेट तोड़ दिए दीदी, मेरे को दो एक, मैं यार आपकी बात छोड़ दीदी, आप मेरे को दो एक, डिप्रेशन में आ गए खुलेगा नहीं तो खाएंगे कैसे, मुझे नहीं पता, आप इसको मैं ना घर पे जाके उससे नाइफ से तोड़ूंगी, तोड़ूंगी हाँ। लेमन क्रैनबेरी खोल के बताऊंगा कैसे खुलती है, दो मिलेगी तेरे को अगर तूने खोल दिया तो, शक्ति देना मुझे ठीक है, येलो येलो ये भी खुल गया, अरे वाह कुड़ी थी समझदार भाई कसम, जिंजर जिंजर वो अरे गिनर तुम खुद पढ़ लो, गिनर है वो, लो पढ़ो जिंजर है वो, देखो गाइस मैं स्पेलिंग बोल रहा हूं, जी आई आर जिंजर यार जिंजर, दो शब्द अंग्रेजी के बोलो मोहित आकर जाए, रोशन पेन का दिमाग जा रहा है, अरे नहीं आपको दूंगा एक और, मेरी एक और एक मेरी, आधी आधी खा लेंगे सब, ठीक हो गया छोड़ देंगे, ठीक हो गया, आप बाकी सामान में से कुछ खा लेना, ब्लड मरे मेरी बात सुनो, मतलब आप 50% शेयर ले लो, जल्दी क्या टूट गया क्या टूट गया, छोड़ा मेरी बात सुनो, अगर आप 50% शेयर लगे अब इसको भी नहीं मिलेगी और इनको भी नहीं मिलेगी, अब हम टीम होगी, और ये जो तूने मेरा ये नुकसान करवाया ना, अब तेरी ऐसी की तैसी, यार गुदगुदी करके तूने गेम खराब कर दिया यार, यार भाई आपसे गुदगुदी सेंड नहीं हुई, तू भी वीडियो बनाने लगी है बचत के मार को, सॉरी तेरी चाय, यार मेरे को भी दो, अरे फिर थोड़ा सा काट के, अरे कोई टीम हो गया कितना सोचो जी, 70% बोला था, इधर दिखाओ क्या देख रहे हो आप यूट्यूब पे, काई पतंगबाजी दिखाना, याद आ रही है क्या आपको पतंग की, याद भाई पूरा महीना खत्म होने वाला है दिसंबर, दो दिन गया, बर्फ में आ रहे तो उसका पनिशमेंट भूल गए, कल है वो भी बाकी अभी तो, कौन सा पनिशमेंट भाई, उधर कर लिया मैंने, वो मोमोस चैलेंज का पनिशमेंट था, दूसरे चैलेंज का कोई पनिशमेंट का सोचा ही नहीं था, ना कोई बात हुई थी, आप तो वही हुई थी, आपने टीम बना ली थी एक दिन पहले, हाँ कैसी लग रही सूरज है, कम मेकअप कर रखा है तो ठीक लग रहा है, अभी बिगाड़ बिगाड़ मत लेना, ये औरत बन जाती पूरी, गाइस हम लोग हैं एकदम रेडी, और बहुत मेरी ड्रेस में बसूरी हुई है आज, मैं आपको बता नहीं सकती मैंने कहां कहां पिन लगा के इसको एडजस्ट किया है,
इसके साथ हमेशा दिक्कत होती है, ड्रेसेस के अंदर कभी फिटिंग नहीं होता, कुछ नहीं होता, और ये इसकी गंदी आदत है कि ट्राई नहीं करती पहले से पहले। सही बात है, मेरे पास इतना टाइम था ना, मैं ट्राई करूँ। अब बताओ, इतना बुरा दिन गया है मेरा आज का। नीचे दूल्हे की एंट्री चल रही है और मैं यहाँ पर ऐसे बैठी हूँ मेकअप करके, ज्वेलरी पहन के, ड्रेस चेंज करके, क्योंकि जो मेरी ड्रेस थी उसका जो टॉप था वो ट्यूब टॉप था और वो उसके हुक ही नहीं था बेसिकली, तो मैं उसको पहन नहीं पा, फिर भी मैंने उसको जैसे तैसे घुसा घुसू के पिन लगा लो के, ये देखो कितनी पिंस पड़ी यहाँ पे, उसको मैंने एडजस्ट किया, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा बहुत शूट करने लगी हल्की सी मूवी वो नीचे आना चालू हो गया। अब मेरे को तक तेज गुस्सा आ रहा है यार, मैं वरमाला मिस कर दूंगी, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है यार, हद हो गई है, मुझे पता यार उतना गुस्सा आ रहा है, मैं बता नहीं सकती, मैं तो अब खिड़की में से देखूंगी क्या करूं। दिखेगा ही नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, लग तो नहीं रहा मेरे को यार ऐसा कुछ, तो देखना आवाज आ गई, गाना चेंज हो गया, ये एंट्री वाले सॉन्ग है, इसमें नीचे प्रैक्टिस कर रहे थे ये लोग। हो चुकी है और सबके सब इतने इमोशनल हो गए, इतना कि क्या ही बताऊं, और सबसे ज्यादा तो दूल्हा इमोशनल हो गया था, जैसे भी इससे पहले आ गए होंगे आपने देख लिया, और मतलब दूल्हा इतना इमोशनल हो रहा था ना कि मतलब क्या ही बताऊं, ब्राइड को देखते ही उसके आंसू निकल गए थे, उसको देख के मैं सो गई, मत रो, मेरे आंसू निकल गए थे भाई, सबके सभी रो रहे थे, क्योंकि वो इतना एक उतना माहौल बन जाता है ऐसा कि अब बेटी जा रही है, फिर उसके पापा उसको छोड़ने आए, सब कुछ होने के बाद मैं रेडी हो गई हूँ फाइनली। वैसे ड्रेस तो आपको याद ही होगी, मैंने लखनऊ नीतू दीदी के रिसेप्शन में पहनी थी, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं था तो जो भी था ठीक है, बट थैंक्स टू भानु कि वो जाके लेकर आया, उसने एंड मोमेंट पे फटाफट से मेरे को बचा लिया, और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, तो अब जाके मैं मिलूंगी ब्राइडल ग्रूम से, क्योंकि उन स्ट्रेस में तो मैं नहीं मिलती। तो गाइस, सूरज ने अपनी लाइफ में कभी रसबेरी नहीं खाई थी, आज ये रसबेरी खा रहा है, कैसी लगी? ये तो रसबेरी है, अभी तो रसबेरी खा के आ रहा हूं मैं, खाने में अलग ही एक्साइटमेंट हो रही है, कोई कुछ खा के लेकर आ रहा है, खाना है इतना अच्छा, लेकिन गोलगप्पे वाले भैया बहुत ढीले हैं, ये तो वही वो फिजिक्स लैब होता है ना स्कूल में, वैसा कुछ लग रहा है, बोतल गिरी पड़ी है, ये तो आपने कभी देखा ना होगा, अरे अमरूद लिया वो दुबई नाश में लिया है, आपने बताया नहीं कैसे दुबई है, इनका तो खजूर खा रहे, इनका तो मोए मोए हो गया, ये सारा खुद खजूर है, खजूर एक जगह है वहाँ पे अलग से दुबई है, गाइस वहाँ लाइन से 48 तरीके की मिठाइयाँ लग रही है, टीपू भैया गिन के आए, यार सुनो ना यार, मैंने अभी सिर्फ गोलगप्पे खाए हैं, मिठाई को पता चला गोलगप्पे अच्छे लेकिन भैया डीले भाई, क्या सीन है, मिठाई देखते 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 उब गया मैं, वापस आ गया, और डोसा डोसा पिज्जा खाने, हमने डिमसम और सुशी तो खा ली, मतलब मोमोज तो खा लिए, गाइस अब दीदी को पिज्जा खाना है, कैसा है, जब चीज बोल रहा तो बोलना नहीं, 12 बज गए अब दीदी चालू हो गई, अब ये नहीं रुकेगी भाई, अब ठंड हो गई, अब गर्म, अब चाय चालू हो गई, बहुत ज्यादा टेस्टी है कावा, डाइटिंग पे होगा, तो कावा पी रहे, कावा डाइटिंग पे है ना, फेरे होने वाले हैं, सब हुडी वुडी पहन ली, ये तो मैं भी पहनने आया था, और हम ये डर गए देख के, समेटे के सही मुंह बोला नहीं जा रहा, समेटे के कैसे रुक रहा, ओ माय गॉड, ये भी समेटना है गाइस, भयंकर फैल गया यार ये सिस्टम, जल्दी करो गाइस यार, चलो 5 मिनट फेरे, जल्दी करो, चलो चलो चल यार, फेरे देखते हैं, और मैं तो सो रहा हूँ गाइस, और इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।